मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप है ना स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, रैट्रैप बॉन्ड, सारे बॉन्ड्स को है ना इजीली याद रख पाओगे। सो चलिए मैं आपको वो सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ। ये निंजा टेक्निक है, अगर आप इसको एक बार गौर से देख लेंगे तो आप कभी भूल ही नहीं सकते इन पांचों के पांच बॉन्ड्स को। और है ना ये बॉन्ड्स और भी कई टाइप के होते हैं, पर ये पांच बॉन्ड्स अगर बहुत बेसिक है, ये आपको आने ही चाहिए यार। कभी कोई ऐसे पूछ देता है और आपको नहीं आता, कभी कभी याद नहीं आता, क्लिक नहीं होता, तो बहुत ऐसा थोड़ा शर्म से आ जाती है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये वाला है स्ट्रेचर, इस वाले फेस को हम कहते हैं स्ट्रेचर, इस वाले फेस को हम कहते हैं हेडर, और ये है बेड, और ये वाला है हेडर, ये सॉरी ये वाला है फ्रॉग। तो ये देखिए हेडर बॉन्ड किसे कहते हैं, ये वाला है हेडर, ये वाला है ब्रिक का ऐसे हेडर। अगर एलिवेशन में हमको है ना सारे हेडर्स दिखाई देंगे, हेडर्स एलिवेशन में अगर हमको हेडर दिखाई देंगे सारे के सारे, तो ये हो जाएगा हेडर बॉन्ड, ठीक है। और अभी ये है स्ट्रेचर, अगर एलिवेशन में हमको ऐसे सारे के सारे स्ट्रेचर्स दिखाई देंगे, एलिवेशन से अगर हम देखते हैं ना तो कोर्स या लेयर में हमको ऐसे स्ट्रेचर्स दिखाई देंगे एक के बाद एक, तो ये हो जाएगा स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। ये वाला तो बहुत सिंपल है, अगर एलिवेशन में हमको हेडर दिख रहा है तो हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर दिख रहा है तो स्ट्रेचर बॉन्ड। अब देखिए इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे, लाइक हेडर प्लस स्ट्रेचर के, एक लेयर आएगी हेडर की, एक लेयर आएगी स्ट्रेचर की, ऐसे ये हो गया ऐसे स्ट्रेचर। अभी हमको ऐसे दिखाई देगा हेडर 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 के, इन दोनों का अगर प्लस कर देंगे हम, हेडर प्लस स्ट्रेचर के, एक लेयर में स्ट्रेचर्स आएंगी सारी, एक लेयर में सिर्फ हेडर आएगा सारा, तो इस वाले बॉन्ड को कहेंगे हम इंग्लिश बॉन्ड। अब अगर हम हेडर इनटू स्ट्रेचर करेंगे, लाइक हेडर इनटू स्ट्रेचर के एक ही लेयर में, एक ही लेयर में ऐसे एक आ जाएगा हेडर, एक तो ऐसा हम क्वीन क्लोजर प्लेस करते हैं, आप अगर एक हेडर आके फिर एक स्ट्रेचर आएगा, फिर एक हेडर आके फिर एक स्ट्रेचर आएगा के हेडर इनटू स्ट्रेचर, फिर एक हेडर आके फिर एक स्ट्रेचर आएगा, और ऊपर भी ऐसे सेम रिपीट होगा, जैसे कि यहां अगर हेडर है तो यहां ऐसे स्ट्रेचर आएगा, फिर हेडर आएगा, फिर स्ट्रेचर आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस वाले लेयर को हम कहेंगे फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। हेडर अगर एलिवेशन में हेडर दिखाई दे रहा है, हेडर स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर हेडर प्लस स्ट्रेचर तो इंग्लिश बॉन्ड, हेडर इनटू स्ट्रेचर हो गया तो फ्लेमिश बॉन्ड। अभी रैट ट्रैप बॉन्ड क्या होता है देखते हैं, रैट ट्रैप बॉन्ड भी सेम होता है, अगर आप ये याद रख लोगे ना तो फ्लेमिश बॉन्ड याद रख लोगे, तो आप रैट ट्रैप बॉन्ड भी याद रख लोगे। अभी फ्लेमिश बॉन्ड में क्या करते हैं हम, ये जो स्ट्रेचर आ रहा है ना कि ऐसे फ्लेमिश बॉन्ड में ब्रिक्स को ऐसे रखा जाता है, बस रैट ट्रैप बॉन्ड में बस इसको इसको ऐसे है, तो फ्लेमिश बॉन्ड में अगर ये ब्रिक्स ऐसे है तो हम इसको ऐसे रख देंगे ताकि बीच में एक कैविटी बन जाए और बाकी का ब्रिक का अरेंजमेंट सेम होगा जैसे फ्लेमिश बॉन्ड है, तो हम उसे कहते हैं रैट ट्रैप बॉन्ड, रैट ट्रैप बॉन्ड। सिंपल याद रखने को आपको एक और चीज कह रहा हूं, फ्लेमिश बॉन्ड में है ना एलिवेशन में जो स्ट्रेचर्स आते हैं ना हमको, रैट ट्रैप बॉन्ड में वही दिखाई देगा ब्रिक का बेड जो कि नीचे वाला पोर्शन होता है, हमको फ्लेमिश बॉन्ड में ऐसे है स्ट्रेचर दिखाई देता है तो रैट ट्रैप बॉन्ड में ऐसे बेड दिखाई देता है। तो ये सिंपल सी टेक्निक है यार, जो कि जिसको ध्यान में रखता हूं मैं हमेशा, तो मेरे को हमेशा ये सारे बॉन्ड्स याद रहते हैं, कभी भी ऐसे नींद में से उठाकर भी पूछो तो मैं बोल देता हूं, भूल भी सकता हूं यार कभी कभी, मगर ये वाली ट्रिक अगर आप ऐसा एक बार देख लोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और आपको है ना सुनने में मजा आया होगा और इंटरेस्टिंग लिखा होगा, अच्छे से समझ आ जाए आ गई होगी तो ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई होप आप फिर से यह होप करो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक